गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर और कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी यहाँ पर अच्छे होंगे वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सभी को नमस्ते सभी को प्रणाम सभी को बहुत सारा प्यार और जल्दी से आ जाइए हाँ बिल्कुल सभी का कमेंट मुझे यहाँ पर शो हो रहा है जल्दी से आ जाएंगे आप सभी चलिए तो जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और जो स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देंगे सभी आ चुके हैं बहुत बढ़िया चलिए तो क्लास को जल्दी से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे स्पेशल कुछ अनाउंसमेंट है वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कर देती हूँ जैसा मैं हर क्लास के पहले आप लोगों को करती हूँ कि अगर आप सभी मुझसे जुड़ करके यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी उसके लिए अनकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो गूगल प्ले या फिर प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज आप लोगों के लिए हैं फेवरेट टीचर्स के भी कोर्सेज आप लोगों के लिए हैं और यहाँ पर अगर आप देखो तो एस एग्ज़ाम्स और बैंक एग्जाम और आपका जो यहाँ पर रेलवे एग्जाम है इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों के लिए डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च हुए हैं अगर आप सभी को कोड यहाँ पर चाहिए ठीक है ठीक है सरोज तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आप लोगों को यहाँ पर एक कोड की डिमांड वो करेगा उसमें अगर आप अमृता एस लिख देंगे तो आप लोगों को टेन परसेंट तक का डिस्काउंट हो जाएगा इस कोर्स से आप सभी फ्री क्लासेस भी कर सकते हैं अगर कोई स्पेशल सेशन आप लेना चाहते हैं उसको भी आप लोग कर सकते हैं ठीक है चलिए तो सभी आ चुके हैं ठीक है गुंजन आकाश ऋषिकेश हैप्पी किंग सभी को नमस्ते ठीक है धीरेन्द्र वेरी गुड इवनिंग दिवाकर वेरी गुड इवनिंग और ऋषिकांत दीक्षित वेरी गुड इवनिंग चलो ठीक है संजीव चलिए और इसके अलावा आप सभी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर एस एग्जाम्स के लिए भी स्पेशल स्कॉलरशिप uh, का प्रोग्राम चल रहा था 21 तारीख लास्ट डेट थी पर आप चाहें तो अभी भी उसको हाँ पर एनरोल कर सकते हैं चलिए तो क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग चलो तो क्लास में यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है विच आर करेक्टली डिफाइंड मदर ऑफ पर्ल अगर आपसे पूछा जाए कि जो मोतियों की माँ है या मदर ऑफ पल किसे यहाँ पर कहा जाता है किसे यहाँ पर कहा जाता है हैप्पी किंग कह रहे हैं कि मैम अपना क्यों नहीं लगाए लगा लो बेटा लगा लेंगे, लगा लेंगे चलो <coughs> जल्दी से बता दो यहाँ पर ठीक है मिथिलेश ठीक है सरोज नमस्ते बेटा ठीक है मनीष नमस्ते सब सभी को नमस्ते चलिए तो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है दीपक ठीक है धीरेन्द्र गुंजन जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर सही आंसर इसका <coughs> सही आंसर इसका यहाँ पर करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मदर ऑफ द पर्ल किसको यहाँ पर कहा जाता है मदर ऑफ द पर्ल किसको यहाँ पर कहा जाता है एंड ऑस्टि स्पेशल लार्ज साइज पर्ल फाउंड इन द जापान हार्ड इशेंट सब्सटेंस फॉर्मिंग द इनर लेयर ऑफ दल क्या आंसर यहाँ पर सही होगा बहुत अच्छा आंसर की अगर आप बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा सी आंसर यहाँ पर जाएगा। भी लग रहे अच्छा 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 जी चलो धन्यवाद धन्यवाद चलिए तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा ठीक है तो बेटा होता क्या है कि अगर आप यहाँ पर मदर ऑफ द पर्ल के बारे में बात करते हैं नॉर्मल पर्ल के बारे में मोती के बारे में अगर हम यहाँ पर बात देखेंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप यह देखेंगे कि द हार्ड इरिडिसेंट सब्सटेंस फॉर्मिंग इन द इनर लेयर ऑफ द सर्टेंशन यानी कि बहुत सारे ऐसे आप जो भी आपका शेल होगा जो भी आपका यहाँ पर सीप होगा उसके अंदर आप देखेंगे कि इंद्रधनुष के कलर वाला आपको कुछ गोले की आकृति आपको बनती हुई नजर आती है और उसी को क्या कहा जाता है मदर ऑफ द पर्ल कहा जाता है जो सबसे अंतिम भाग होता है और वहीं पर ही आपका पर्ल बनता है ठीक है चले आगे अब हम यहाँ पर, पर अच्छा एक चीज और बता दीजिए कि ये जो मोती बन रहा है जो ऑयस्टर होते हैं या किस फाइलम से किस समूह से संबंधित होते हैं तो उस टाइम पे आपको जो आंसर यहाँ पर करना है हाँ सत्या जो आपको यहाँ पर आंसर करना है वह क्या हो जाएगा आप ठीक है नवाबजादी ठीक है तो आज यहाँ पर आंसर जो आपको करना है वो क्या हो जाएगा मुलस्का. क्या आंसर हो मोलसका मोलसका ठीक है तो फटाफट से इसको आप पर नोट कर लीजिए आप इसको पर नोट कर लीजिए ठीक है छोटा फौजी नमस्ते ठीक है नवाबजादी ठीक है सत्या चलो आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वेराइटी ऑफ मैंगो इनमें से कौन सा यहाँ पर आम का एक किस्म नहीं है आम का कौन सा एक किस्म यहाँ पर नहीं है स्कॉलरशिप कब मिलेगी धीरे उसके लिए आप सभी यहाँ पर पहले अप्लाई कर देते अगर आप लोगों ने एनरोलमेंट कर दिया है तो उसमें कुछ नॉर्मल क्वेश्चन होंगे फिर उसके बाद आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलने लग जाएगी ठीक है अच्छा चलो चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बताइए यहाँ पर अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो कौन कौन सी जो वेराइटीज हैं वह है यहाँ पर और कौन कौन सी वेरायटी यहाँ पर इंडिया में नहीं है चलो जल्दी आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सेकेंड का सही हो जाएगा तो प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पर बात करें तो लाल डक्का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है जो लाल डक्का होगा वह यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा लाल डक्का होगा बेटा आंसर ठीक है तो लाल डक्का जो है वह आपका मैंगो का यहाँ पर प्रजाति नहीं है बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आप लिख लिख रहे हो बैंगाड़ा पाले या फिर अल्फांसो या फिर यहाँ पे सिंदूरा इन सब की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये सभी क्या है यहाँ पर मैंगो की डिफरेंट तरह की वेराइटी है प्रजाति आप यहाँ पर इसको देखेंगे और कौन कौन सी प्रजाति होती है बेटा सबसे पहले तो अल्फ जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना ये बहुत फेमस है आपका अल, जो अल्फोसो है वह सबसे ज्यादा यहाँ पर फेमस है बॉम्बे फेमस है बॉम्बे ग्रीन फेमस है इसके अलावा दशहरी का दशहरी आम बहुत फेमस होता है फर्जी आम बहुत ज़्यादा फेमस है फजली आम बहुत ज़्यादा फेमस है है नीम सागर केसर किशान बाग इस तरह से बहुत ज़्यादा जो आम लंगड़ा आम मल्लिका आम और किशन भोग आम इस तरीके से बहुत सारे आम यहाँ पर फेमस है ठीक है नीलम हो गया पैरी हो गया समर हो गया इस तरीके से बहुत ज़्यादा आम जो है वो यहाँ पर फेमस है ठीक है लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा रेड ढक्का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो फटाफट से यहाँ पर नोट कर लीजिए ठीक है फटाफट से इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए तो अगर आप यहाँ पे बात करते हैं रेड ढक्का के बारे में तो ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है तो आपसे अगर कभी पूछा जाता है कि जो रेड ढक्का है वह किसकी वैरायटी होती है तो यह केला की होती है ठीक है बच्चा तो अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आप इसकी तो क्या तो बात करेंगे यहाँ पे लाल ढक्का केला के यहाँ होती है ठीक है हाँ फर्जरी हो, बोलते हैं उसको फर्जी नहीं बोलते पर मैंने नाम याद करने के लिए फर्जी ही याद रखा हुआ है यहाँ पर ठीक है नमस्ते सभी को नमस्ते चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे ये किसका है बेटा ये बनाना का है ठीक है ये केले की प्रजाति है बाकी जो तीनों यहाँ पर दिया हुआ है यह आम की प्रजाति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ठीक है रेसलिंग लाइफ आगे बढ़ते हैं कि प्रेजेंस ऑफ विच अमंग द सॉल्ट इज सोल्ट इन वॉटर कॉजे ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी पानी में निम्नलिखित उपस्थित ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण हाँ पर बनता है। चलो ठीक है जर्दालू आम बहुत अच्छा लंगड़ा आम हाँ लंगड़ा आम चलता कैसे है लंगड़ा आम चलता नहीं बेटा खा लेते हैं हम लोग चलिए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बताइए जल्दी से यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पर देखते हो ना तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है अगर पानी में नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा आप लोगों को दिखाई देती है तो वहां पर छोटे बच्चों के अंदर आप क्या देखेंगे या प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उनके अंदर आप क्या देखेंगे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम आपको यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है और ये काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ठीक है इसमें आप देखते हैं कि जो जो भी छोटा बच्चा होता है उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होती है वो काफी कम हो जाती है यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है और आ, उस टाइम पर आप देखेंगे कि जो बेबी का कलर होता है जो बच्चे का कलर होता है वह ब्लू कलर जगह जगह नीला नीला सा डार्क सा दाग पर पड़ने लग जाता है तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा <coughs> हाँ ठीक है राजा राम इसके लिए मैंने ट्वीट कर दिया है ठीक है चलो विद्युत अभी अभी भी फीवर है। फीवर है 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 ठीक बस मैं आप लोगों की क्लास के लिए ही यहाँ पर उठी ठीक है अभिषेक बारे में बात करते हैं इन बीच अमंगीपलिस खासियाना और इंडियन पीचर प्लांट कैन बी प्लेस्ड अगर हम यहाँ पर बात करें तो निम्नलिखित श्रेणियों में से नैपथलिन खासियाना और भारतीय घड़ा पादप किस में रखा जाता है ठीक है पादप किस में रखा जाता है और कई बार मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है ठीक है कई बार मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है दीदी -दी पादप जगह समझ नहीं आ रहा है ठीक है जीनियस जो भी यहाँ पर प्लांट है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है क्लासिफिकेशन के लिए लेकिन बॉटनी की अगर आप डिमांड करेंगे तो एक तारीख से फिर से मैं आप लोगों का नया कोर्स लॉन्च कर रही हूँ ग्रुप डी का जब तक एनटीपीसी का मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी होंगी है ना तो एक तारीख से जब नया लॉन्च होगा तो उस क्लास को आप लोग कर लेना तो प्यारे बच्चों वेरी गुड अलका बहुत अच्छा आंसर है आपका आंसर की अगर आप बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ये सभी कीट भक्षी होते हैं कीट भक्षी मतलब कैसे ये काफी खूबसूरत होते हैं बहुत ही वाइब्रेंट कलर के होते हैं और कई बार तो यह खुशबू भी निकालते हैं जिससे क्या होता है कि जो कीड़े होते हैं वो बिल्कुल भागी चले आते हैं इनके पास अट्रैक्ट होकर के और जैसे ही इनके पास आकर के बैठते हैं वैसे ही यह इनको खा जाते हैं अलग अलग मैकेनिज्म हो सकता है खाने का तो वह क्या कहलाता है कीटभक्शी और ये ऐसा क्यों करते हैं या ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन की भारी मात्रा में कमी होती है जहां पर यह उग्र होते हैं वहां की भूमि अगर सॉइल के बारे में बात करें तो जो सॉइल होते हैं वहां पर भारी मात्रा में कमी होती है किस चीज की आप बताएंगे नाइट्रोजन की और उसको पूरा करने के लिए ही यह कीड़ों को खाते रहते हैं ठीक है अगर आप यहाँ पर सैप्रोफाइट्स के बारे में बात करते हैं बेटा तो मैंने आपको बताया था इसको मृतोपजीवी कहा जाता है तो ऐसे पेड़ पौधे जो अब डेड और डीके मटेरियल जो अपशिष्ट पदार्थ है मृत है गला है सड़ा हुआ है उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसको क्या कहा जाता है सेप्रोफाइट कहा जाता है जीरो फाइट्स ऑलरेडी मैंने बताया है जीरो जीरो मतलब नहीं पानी नहीं है चाहे वो हिली एरिया हो चाहे वो रेगिस्तान वाला हिस्सा हो जहां पर पानी नहीं होता और वहां पर जो प्लांट्स होते हैं वह उग जाते हैं उनको क्या कहा जाता है जीरो फाइट्स कहा जाता है हेलो फाइट्स मतलब होता है कि जहां पर सब चीजें नॉर्मल नॉर्मल है ठीक है तो उसको क्या कहा जा रहा है हेलो फाइट्स यहाँ पर कहा जा रहा है अच्छा प्यार में धोखा देते हैं किट अच्छा ये सब कहा से पढ़ लेते हो तुम ठीक है तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं हेलोफाइट्स के बारे में तो हेलोफाइट्स मतलब जहां पर सब चीजें नॉर्मल है लेकिन सॉल्ट जो सेलिनी है जो अल्कलीन जो वाली जो चीजें हैं वो अगर यहाँ पर ज्यादा है तो भी आसानी से उग जा रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं हेलोफाइट्स यहाँ पर कहलाते हैं ठीक है हाँ जो अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखते हो मेघालय को देखते हो तो वहां पर जो इंसेक्टिव है वहां के घने जंगलों में आपको काफी ज्यादा देखने के लिए

तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और जो हमारे चैनल में बिल्कुल नए आए हैं इस क्लास इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सभी टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं नहीं नहीं विष्णु चलो जल्दी से बताओ ठीक है माइकल जैक्शन धीरेन्द्र क्या आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए फिफ्थ का वेरी गुड सन हेम्प बहुत अच्छा क्या आंसर हो जाएगा सन हेम्प तो प्यारे बच्चों आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इसको कई जगह सनई कहा जाता है ठीक है सनई का पौधा भी इसको यहाँ पर कहा जाता है तो अगर आप ठीक है अक्षय अक्षय यहां से आप कर सकते हैं बेटा यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो मैंने यूपीएससी वाले बच्चों को पढ़ाया है ऑफलाइन मुझे पता है कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है आप लोग पढ़ना तो शुरू करो एक बार पढ़ना तो शुरू करो बच्चा एक बार चलिए ठीक है तो अगर हम यहाँ पर बात करें सनहेम्प के बारे में तो सनई जो होता है उसके लीव्स ले लो उसका स्टेम ले लो उसके रूट्स ले लो उसका कुछ भी भाग अगर आप ले लो उससे आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ग्रीन मेन्योर यानी कि हरा खाद आप यहाँ पर बना सकते हैं ठीक है बहुत अच्छा प्रशांत चलिए खेत में लगाई है दीदी बहुत अच्छा बहुत अच्छा धीरेन्द्र अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं बिच अमंग द फ्लोइंग इज द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ इन विदाउट पेटल्स पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागण का सबसे आम माध्यम निम्नलिखित में से कौन सा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए अगर हम कोई भी एक फूल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में, में क्या आता है कि फूल की जो खूबसूरती है फूल की जो खूबसूरती है वह कौन दिखाता है पंखुड़ी यानी कि पेटल्स दिखाते हैं पेटल्स जो होते हैं बहुत ही चटक रंगों के वाइब्रेंट कलर के होते हैं खास ही वह एक स्पेशल तरह का सुगंध या बदबू आप जिसको स्मेल कह सकते हो फ्रेगनेंस कह सकते हो यानी कि एक डिफरेंट ऑर्डर निकालते हैं क्यों और वो इतने चटक कलर के क्यों होते हैं और ये जो ऑर्डर निकालते हैं गंध निकालते हैं ये क्यों ताकि वो कीट को अट्रैक्ट कर सके और जो कीट होते हैं जो जो भी आपके कीट है यानी जो भी इंसेक्ट है वो पॉलिनेशन का काम यहाँ पर करा देते हैं है ना पॉलीनेशन का काम करा देते हैं जाने अनजाने उन्हें तो पता भी नहीं होता है कि वो पॉलीनेशन का काम करा रहे हैं क्योंकि वो तो आते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए नेक्टर खाने के लिए आते हैं या पॉलन ग्रेन खाने के लिए आते हैं और इस टाइम पर वो क्या करते हैं कि पॉलिनेशन वहां करवा देते हैं ठीक है लेकिन अगर हम यह कह रहे हैं कि एक ऐसा ऐसा फूल है एक ऐसा फूल है जिसमें पैटर्स अब नहीं रहे या है ही नहीं तब वहां पर पॉलिनेशन कैसे होगा तब वहां पे परागण कैसे होगा चलो जिले से बता दो विंड होगा वॉटर होगा इंसेक्ट होगा ऑल द अब यहाँ पर सही आंसर होगा वेरी गुड बिल्कुल बहुत सही आंसर आपने दिया है सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आया है और वो है का तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सिक्स आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है और आंसर क्या होगा ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा और आंसर होगा यहाँ पर पवन यानी कि विंड यानी कि हवा वायु ठीक है क्यों बच्चा अगर इंसेक्ट की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जब पैटल है तभी तो इंसेक्ट आएगा जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई वो क्यों कहा कहानी सुनाई फिर भी आप गलत बता रहे हो तो जो ऑल द दबाव बता रहे हैं वो तो सबसे ज्यादा गलत बता रहे हैं आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए आंसर होगा यानी कि एक ऐसा हमें पॉलिनेशन देखना है जब जहां पर पैटल नहीं है जहां पर पंखुड़िया नहीं है तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा ठीक है तो हो गया ना चलान कट गया सभी का चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं थैंक यू आकाश पी आगे देखते हैं नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज अगर आप यहाँ पर बात करते हैं सामान्य मानव रक्तचाप के बारे में तो सामान्य मानव रक्तचाप क्या होता है हाँ सबका गलत हो गया सिवाय एक बच्चे का चले जले आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए और ये कई बार मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है और वो होगा वन ट्वेंटी अपॉन एटी एम एम एच जी ठीक है आज मैं गई थी अपना ब्लड प्रेशर मेरा बुखार आ रहा था ना बहुत तो मुझे यहाँ पर ठीक है ठीक है राजा राम तो आ, लेकर के गए थे सब मेरे फ्रेंड्स लोग कि भाई बहुत बीमार हो रही है दो तीन दिन हो गया तो वहाँ पे आज चेक हुआ तो मैंने मैंने मेरे में यही आया आज बच्चों से पूछूंगी कि बेटा ये बताओ कि जो ह्यूमन ब्लड प्रेशर है उसको किससे नापा जाता है उसको किससे नापा जाता है ये तो हमें यहाँ पर पता ही चल गया ठीक है हिटलर वेलकम वेलकम बताओ तो आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर जो होगा सी वो तो हमें पता चल गया है और मैंने ये भी बता दिया है कि मर्क्यूरिक प्रेशर से इसको यहाँ पर नापा जाता है एच जी मतलब मर्क्यूरिक प्रेशर ये सिस्टोल होता है ये डायस्टोल होता है लेकिन नापा किस किस यंत्र से इसको नापा जाता है चलो जले से आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा बीबी मेरा नॉर्मल था थोड़ा सा लो था पर ठीक था है ना क्योंकि खाना वाना मैंने खाया नहीं था ठीक हाँ, है उदल बहुत अच्छा बताइए बेटा जल्दी से आंसर बताएंगे यहाँ पर राम राम लाभ ठीक है छोटू नमस्ते सभी को इंजेक्शन नहीं लगा <laughs> इंजेक्शन नहीं लगा इस इसमेनोमीटर बहुत अच्छा वेरी गुड ठीक है तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है सोमृत अलका विष्णु बहुत अच्छा इस इसफेग्नोमेनोमीटर वेरी गुड उदल तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर जो हो जाएगा वो होगा इसफेग्नोमेनोमीटर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं

फास्ट करवाओ मैम नहीं बेटा नहीं करवा सकती ना मेरा गले का इन्फेक्शन है ठीक है ये जो बच्चे कहते हैं ना कोरोना हो गया कोरोना हो गया कुछ कोरोना नहीं हुआ मुझे ठीक है क्या है ये आप लोगों को जो मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई हूँ ना तीन महीने तो अब निकल रहा है गले से इन्फेक्शन हो जाता है हाँ पानी पूरी का कंपटीशन कब है अभी तो नहीं कहूंगा एक महीने नहीं खाऊंगी पानी पूरी ठीक है चलो जल्दी से आंसर बताओ इसका एट का कौन सा आंसर होगा बी आंसर बहुत अच्छा वेरी गुड तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं वेरी गुड सरोज आंसर बिल्कुल ठीक है आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर जोसेफ लिस्टर का नाम आता है तो सर्जरी तो वैसे बहुत ही अलग अलग लोगों ने दी है ठीक है अगर आप आयुर्वेद में जाते हैं तो आयुर्वेद में जो सर्जरी है वो बिल्कुल डिफरेंट मैटर हो जाता है ठीक है सुश्रुत का नाम यहाँ पर आता है लेकिन एंटीसेप्टिक सर्जरी ठीक है तो जहां पर भी एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में हम बात करते हैं वहां पर आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर लिस्टर है उन्होंने ही एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में यहाँ पर बताया था ठीक है चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं लास्ट टाइम भी मैंने बताया था चलिए जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए जल्दी से कौन सा आंसर हो जाएगा अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कु, मैम कुछ ठंडा हो जाए नहीं खा सकती बेटा ठंडा वंडा सब मना हो गया मुझे एक हफ्ते के लिए खट्टा नहीं खा सकते ठंडा नहीं खा सकते कितनी दिक्कत हो रही है मैं जानती हूँ चलो जल्दी से बताओ बहुत अच्छा ठीक है वेरी गुड तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था बारह पेयर होते हैं है ना कितने बताया थे मैंने बारह जोड़ी होते हैं हाँ यही तो है बारह जोड़े होते हैं ठीक है आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा फिर बच्चे चौदह कह रहे हैं बेटा चौदह हड्डियां बताई थी जो क्या थी ट्रू थी है ना टोटल कितने हैं यहाँ पर बारह ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं टीकाकरण के बारे में बाद में मैं बताऊंगी संजीव आगे देखते हैं बीच अमंग द फ्लोइंग सेल ऑर्गन इज एसेंशियल फॉर द सेलुलर रिस्पायरेशन सेलुलर श्वसन के लिए निम्नलिखित सेल ऑर्गेन में से कौन सा यहाँ पर आवश्यक है अब ये तो तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है इसको फटाफट तो से हाँ पर कर सकते हैं हाँ ओनली गर्म चाय ठीक है एक बच्चा कह रहा है कि अंडा खा लो बेटा मैं अंडा एक्चुअली खाती नहीं हूँ <laughs> हाँ मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ पानी पूरी नहीं तो पूरी खा लीजिए अच्छा पूरी पानी खा लीजिए अच्छा चलो ठीक है लाभ हाँ ये लाभ रोज यहाँ पे गाना गाने के लिए आ जाते हो है हाँ? तुम एक म्यूजिक एल्बम बना लो क्यों बच्चा चलो जल्दी से बताओ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी गुड बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी माइटोकॉन्ड्रिया वेरी गुड तो प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप बात करते हो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल है ना और जो पावर हाउस ऑफ द सेल है यानी कि वो क्या काम कर रहा है सेल के अंदर रिस्पायरेशन कर रहा है इंट्रा सेलुलर रिस्पायरेशन अंत कोश पाचन क्योंकि कोशिका के अंदर पाचन नहीं श्वसन वह कर रहा है इंट्रा सेलुलर रिस्पायरेशन अंत कोश श्वसन का काम वह कर रहा है और श्वसन के माध्यम से वो क्या बना रहा है एटीपी बना रहा है जिसको आप कहते हो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और जो यह कहलाता है ऊर्जा मुद्रा है ना यानी कि जिसको आप एनर्जी करेंसी कहते हो तो जो भी आप काम कर रहे हो जैसे मैं बोल रही हूँ पढ़ा रही हूँ जो कुछ भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ तो वह क्या किसके माध्यम से कर रहे हो आप एटीपी के माध्यम से तो करेंसी है ना करेंसी यानी जिससे कोई भी लेन हो सकती है तो इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी यहाँ पर कहलाया जा रहा है ठीक है बात समझ आ गई है स्टूडेंट ही डॉक्टर बन रहे हैं है मैम हाँ बिल्कुल राहुल बहुत अच्छी बात है लेकिन झोला छाप डॉक्टर नहीं बनना है बेटा अपना खुद इलाज करने मत बैठ जाना की लाओ आज मैं अपने ब्रेन की सर्जरी कर लू है ऐसे नहीं करना है ठीक है हाँ चलिए आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द नेम ऑफ द कार्लर इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कार्ल लैंडस्टीनर का नाम निम्नलिखित में से किससे यहाँ पर जुड़ा हुआ है चलिए चलिए से आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा लाव पढ़ ले बेटा पढ़ ले अच्छा ठीक है हैप्पी किंग चलो जल्दी से बता दो यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आप इलेवंथ के बारे में बात करते हैं बी आंसर ठीक है राहुल आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा अगर हम यहाँ पर मानव रक्त समूह के बारे में बात करते हैं जो भी आपका ब्लड ग्रुप ए है ब्लड ग्रुप बी है ए बी है ओ है और मैंने यहाँ पर आठ बजे वाली क्लास में भी आपको बताया था कि जो भी ह्यूमन ब्लड है है ना उसकी डिस्कवरी किसने की थी लैंड स्टीनर ने की थी और लैंड स्टीनर ने 1901 1901 में की थी और इनके साथ एक और और साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था यहाँ पर जेनेस के यहाँ पर नाम था ठीक है क्लियर है चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर clavicle is the human body is a अगर आप यहाँ पर clavicle के बारे में बात करते हैं तो clavicle मानव शरीर में कहाँ पर पाया जाता है और यह किस नाम से यहाँ पर फेमस है अब मैं आप लोगों को एक हिंट दे देती हूँ कि जो भी यहाँ पर clavicle है वह एक तरह का बोन होता है क्या है यह एक हड्डी होती है एक अस्थि होती है और यह कहां पर पाई जाती है चलो चलिए सासा करेंगे यहां पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है हाँ ठीक है प्रियंका जल्दी से बता दो यहाँ पर ठीक है डिफेंस योद्धा जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर ट्वेल्थ का यहाँ पर सही हो जाएगा बहुत अच्छा आंसर की अगर आप बात करते हैं कॉलर बोन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉलर बोन्स तो आंसर की अगर आप बात करो तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है तो अगर आप यहाँ पर देखते हो कि तो जब भी आप शर्ट पहनते हो ना तो शर्ट का जो कॉलर आता है वो इस तरीके से यहाँ पर आता है तो ये ये वाला जो बोन आपको यहाँ पर दिखाई देता है ये क्या है कॉलर बोन यहाँ पर कहलाता है और इसी का ही दूसरा नाम क्या है क्लैविकल बोन और इसके लिए मैंने बच्चों को याद कराने के लिए आज से तीन साल पहले एक ट्रिक बताई थी कि ब्यूटी बोन राइट तो वो आजकल फेमस हो गया है ब्यूटी बोन आज तक किसी भी एग्जाम में कभी नहीं पूछा है ब्यूटी बोन क्योंकि ऐसा किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है तो मैंने ही बताया था बच्चों को कि ब्यूटी बोन कहा जाता है अब वो इतना प्रकाशित करके उसको फेमस कर दिए चलो कोई बात नहीं तो अगर यहाँ पर देखो तो मैं हमेशा बच्चे ना ऐसे याद नहीं कर पाते थे तो उन्हें हमेशा कहते थे कि जो मॉडल्स होती है उनकी हड्डियाँ पर दिखाई देती है इस तरह से हड्डियाँ यहाँ पर दिखाई देती है जिसकी जितनी हड्डी दिखाई देती है उसको इतना सुंदर माना जाता है मॉडलिंग में है ना वो अलग बात है कि क्या होता है कि देख कैट वॉक करती रहती है और फिर गिर जाती है और मर जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से है ना वो ज्यादा ही पतली हो जाती है तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो इसलिए मैंने बताया था कि उसको क्या कहा जाता है ब्यूटी बोन कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जैसे अगर मेरे जैसे एग्जामिनर बैठेगा तो वो थोड़ा और अपर लेवल देगा अपर नहीं है नॉर्मल है कि जितनी भी हड्डियां होती है बेटा आपकी बॉडी में वो सभी वर्टिकल होती है वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ वो हड्डियाँ जा रही हैं या नीचे से ऊपर की तरफ वो हड्डियां जा रही है लेकिन केवल और केवल अगर हम क्लाविकल बोन के बारे में बात करते हैं तो जो क्लाविकल बोन होता है वो कैसा होता है होरीजोटल होता है ठीक है हॉरिजॉन्टल होता है यानी कि इस तरीके की स्थिति में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही हड्डी को देखोगे एक राइट right साइड एक लेफ्ट साइड जिसको क्या कहा जाता है क्लाविकल यहाँ पर कहा जाता है मिथिलेश कुमार कह रहे हैं कि हाँ मैम मुझे याद है मैं हाँ हा, ये जो आप लोग काफी पुराने बच्चे हो उनको पता होगा यहाँ पर चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर एक है रोमन ठीक है रोमन इज द पार्ट ऑफ अगर आप यहाँ पर बात करें तो रोमन किसका यहाँ पर एक भाग होता है चलो चलिए सा आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा कोई बात नहीं चित्रंजन ठीक है बेटा हाई गर्मी वाले ज्यादा गर्मी मत फैलाओ चलो सबकी डॉक्टर है लेकिन सपनों में अच्छा ठीक है चलो चलिए सा आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर थर्टीन का सही हो जाएगा ए ऑप्शन बहुत अच्छा तो कोई भी चीज ठंडे में जमता है और अंडे को गर्म करने पर जमता आ, पर जमता है ऐसा क्यों बेटा ऑफ़ ठीक है उसको मैं बताऊंगी सरोज किसी दिन कोई बात नहीं हिटलर आप डेली क्लास में आइए है ना आप डेली क्लास में आइए घबराने की बात नहीं है चलो जल्दी आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर थर्टीन का यहाँ पर सही हो जाएगा बहुत अच्छा ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कौन सा आंसर सही हो जाएगा ए, आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा और जो पेट यहाँ पर लिखा है उसकी जगह आप अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ठीक है तो फटाफट से पर नोट कर लीजिए चलो क्लियर है बात समझ आ गई है क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि रूमेन क्या होता है आ, अगर आप कैटल्स के बारे में बात करते हैं अगर आप शुद्ध शाकाहारी प्राणी के बारे में बात करते हैं जैसे ह्यूमंस हैं इनको तो हम ओमनिवोर्स में रख देते हैं अपने आप को हम सर्वाहारी बताते हैं लेकिन अगर आप प्रॉपर यहाँ पर बात करो ना जो कैटल्स होते हैं जैसे कि गाय हो गए भैंस हो गए तो उनके अमाशा में एक अलग से एक भाग निकला हुआ होता है जिसको क्या कहा जाता है रोमेन कहा जाता है यहाँ पर आपको बहुत सारी बैक्टीरिया मिल जाएंगी और यह माना जाता है कि यहां पर जो जो भी वो गा, जो भी भी वो गाय आपकी घास खा रही है प्लांट्स खा रही है चना मटर जो कुछ भी खा रही है भूसा खा रही है तो उसमें जो सेलुलोज है उसके पाचन के लिए वो सारी चीजें कहाँ पर जाती है रोमन में जाती है ठीक है तो इसलिए रूमन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी यहाँ पर रूडिमेंट्री एनल्स होते हैं उनकी

ठीक है हम कह रहे हैं कि सरोज क्योंकि अंडा गोल होता है इसलिए जमता है नहीं नहीं बच्चा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चलिए चलिए सर ठीक है अंजनी नमस्ते जल्दी से बता दो यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है हैप्पी किंग हैौधरी जल्दी से बताइए चौधरी का आंसर क्या हो जाएगा बहुत अच्छा तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर चिलगोजा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि जो चिलगोजा है वह क्या है जिम्नोस्पम है ठीक है बाकी अगर आप काजू के पौधे के बारे में बात करते हैं या पिस्ता के बारे में बात करते हैं बादाम के बारे में बात करते हैं तो जो भी आप इस तरह के पेड़ पौधे देखेंगे उन सभी में फूल खिलते हैं और इनमें भी फूल खिलते हैं उनको क्या कहा जाता है एनजियो स्पम कहा जाता है पुष्पधारी कहा जाता है लेकिन अगर आप बात करते हो चिलगोजा के बारे में तो चिलगोजा का जो पौधा होता है उसमें कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी पुष्प नहीं खिलता है तो वो क्या हो गया आपका यहाँ पर एनजीएम हो गया ठीक है एनजियपम यहाँ पर हो गया है

तो प्यारे बच्चों आंसर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कैसे सही होगा उसको बताते हैं पहला है यहाँ पे थ्रम्बो और साइट्स थ्रम्बो और साइट्स साइट्स मतलब होता है आपकी सेल्स यानी कि जितनी भी कोशिका होती है थ्रम्बो मतलब होता है आपका कि जो प्लेट्स होती हैं जो तस्करी होती हैं या फिर जो क्लॉटिंग कर रही होती है और आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट करने का काम और इस तरह से इस तरह से अगर आप देखो तो ये प्लेट जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है तस्करी जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है तो प्लेटलेट्स तो अगर आप यहाँ पर बात करें तो जो भी आपका थ्रम्बोसाइड है वह क्या है आपका प्लेटलेट्स यहाँ पर यह कहलाता है तो इसीलिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ठीक है, है हम बाकी अगर हम यहाँ पर आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो आरबीसी को क्या कहा जाता है आरबीसी को क्या कहा जाएगा कौन बच्चे बताएगा एरिथ्रो ठीक है तो लिख लो यहाँ पर इरिथ्रो साइट्स इसको यहां पर कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स मतलब साइट्स मतलब इरिथ्रो इरिथ्रो जो वर्ड होता है बहुत लाल रंग के लिए यूज किया जाता है और आप सभी को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो भी लाल रंग है ठीक है वो हीमोग्लोबिन की वजह से आ रहा है तो इरिथ्रोसाइट्स आपका हो गया डब्ल्यू बी सी की अगर आप बात करो तो इसको क्या कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है क्या कहा जा रहा है ल्यूकोसाइट्स कहा जा रहा है ल्यूको so, ल्यूको मतलब जिसमें किसी भी तरह का कोई भी पिगमेंट नहीं है जो ट्रांसपेरेंट कलर का आपका यहाँ पर दिखाई देगा उसको क्या कहा जाता है ल्यूको कहा जाता है प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइज कहा जाता है ऑलरेडी बताया हुआ है और जो सीरम है सीरम मतलब क्या होता है कि जो भी आपका ब्लड प्लाज्मा है जो भी आपका ब्लड प्लाज्मा है उसमें से अगर हम सभी तरीके का क्या निकाल दें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या निकाल दें यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अगर हम यहाँ पर निकाल देते हैं तो जो बचा हुआ सब्सटेंस होता है वो क्या होता है आपका सीरम यहां पर कहलाता है ठीक है इसके ऊपर भी क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है चलो ठीक है लाभ हाँ बिल्कुल 120 दिनों का होता है आरबीसी की अगर हम यहां पर बात करते हैं गणेश अन एकेडमी एस पर जो क्लास है वो कल डेमो आ जाएगा और परसों से आप लोगों की क्लास यहाँ पर शुरू हो जाएगी या फिर इवनिंग में क्लास आपके यहाँ आप पर शुरू हो जाएगी श्री ऑडियो म्यूजिक जो मेरी क्लास होती है वो डेली रात के दस बजे यहाँ पर होती है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं कैटल क्या होते हैं बेटा कैटल मतलब जैसे गाय हो गया भैंस हो गई है ना और जो भी मवेशी जो हम शब्द यूज करते हैं हिंदी में उसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं कैटल कहते हैं ठीक है चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है निम्नलिखित में से किसकी जड़ रेशेदार होती है अगर आप यहाँ पर बात करें तो आपको जो जड़ है वह दो तरह की आपको दिखाई देंगी पहला होता है फाइब्रस और दूसरा होता है टैप रूट टैप रूट की अगर आप बात करो तो इनका जो रूट होगा ना वो प्रॉपर इस तरीके से होगा और इससे फिर इस तरह से आप देखेंगे कि दूसरी जो जड़ें हैं वह इस तरह से यहाँ पर निकली हुई हैं फाइब्रस की अगर आप बात करते हो तो ये जड़ कैसी होगी कि जो सभी की सभी जो जड़ें होंगी वो लगभग इक्वल एक, एक समान यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देंगी तो ये क्या है फाइब्रस रूट तो इनमें किसमें यहाँ पर देखोगे कि जो फाइब्रस रूट्स हैं वह यहाँ पर पाए जाते हैं तेजपाल कल से अनएकेडमी की स्पेशल क्लास में स्टार्ट कर दूंगी ठीक है क्योंकि जो सेटअप था वो खराब हो गया था मेरा आपको पता ही कि लैपटॉप पूरा खराब हो चुका था है ना गिर गया था तो दिक्कत हो गई थी उसमें चलो तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप लोगों की क्लास में बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगी बेटा कल से ही स्टार्ट हो जाएगी परेशान मत तो बिल्कुल घास यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा है ना तो अगर आप यहाँ पर घास देखते हो तो पहले अगर आपने देखा होगा कि जब आप कॉलेज में रहते होगे और आप बैठे रहते होगे बंक मार करके कहा पर गार्डन में बैठे रहते होंगे घास उखाड़ने का काम हाँ पर लोग बहुत अच्छे से करते हैं तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो घास होती है उनमें आप देखोगे इस तरह की जड़ यहाँ पर पाई जाती है फाइब्रस रूट यहाँ पर पाई जाती है ठीक है चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं है। मैम एन एनअकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा तभी आपकी क्लास अटेंड कर पाएंगे हाँ, पिलिए। पिलिए। रेलवे कोर्स में जाना बेटा रेलवे कोर्स में जाने के नहीं, नहीं पर, पर मिल जाऊंगी ठीक है रेलवे कोर्स में जाना उसमें मैं आप लोगों को यहां पर दिखाई दूंगी ठीक है बिल्कुल फ्री क्लासेस है उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा बस एन में मुझे फॉलो करना होगा और जो मेरा यहाँ पर कोड अगर बाई चांस कभी कोड पूछता है आपको रुपए नहीं लगेंगे कोड अगर पूछता है तो अमृता एस लिख देना फ्री में देखना क्लास ठीक है चलो अब इस, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं टाइम में कल आप लोगों को बता दूंगी ठीक है चलो आगे देखते हैं यहाँ पर अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण और वंशनीयता को नियंत्रित यहाँ पर करता है तो प्रोटीन संश्लेषण की अगर बात की जा रही है और हेरिडिटी की भी अगर बात की जा रही है तो कौन सा यहाँ पर उसको फॉलो नहीं करता है चिंकोजा को चिलकोजा ही कहा जाता है बच्चा इंग्लिश में भी उसको यही यहाँ पर कहा जाता है चलो अब सेवेंटीन का आंसर करेंगे जल्दी से कौन सा आंसर सही हो जाएगा जीन आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा राइस की अगर आप बात कर रहे हो बेटा राइस भी सही हो सकता था लेकिन उसमें टैप रूट आपकी दिखाई देती है अंदर तक धसी हुई होती है जबकि जो घास होता है उसमें उतना नहीं होता है ठीक है ठीक है सुनील दत्त नमस्ते तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा जीन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा जीन जीन बिल्कुल सही आंसर होगा तो जीन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स यानी कि अगर आप अनुवांशिकता के बारे में बात कर रहे हैं अगर आप वंशागत के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी अगर आप यहाँ पर बात करो ना तो उसका जो इकाई होता है वो क्या होता है जीन ही यहाँ पर इसकी इकाई यहाँ पर होती है uh, जो थ्योरी क्लास है वो शाम को छह बजे होती है माइकल जैक्शन आज छह बजे वाली क्लास नहीं हुई थी क्योंकि आपको पता है कि मुझे फीवर था तो मैं डॉक्टर के पास गई थी तो इस वजह से वो क्लास आप लोगों की नहीं हो पाई थी चले आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द प्लैनेट्स ऑन वेस्ट वेस्टलैंड हैज ए पोटेंशियल टू जनरेट बायोफ्यूल इन लार्ज क्वान्टिटीज बंजर भूमि पर पौधों में से किसकी खेती से खेती में बड़ी मात्रा से जैव ईंधन उत्पादन करने की क्षमता यहाँ पर होती है चलो आंसर करेंगे यहाँ पर <coughs> कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बताइए यहाँ पर अगर हम एटीन के बारे में बात करते हैं तो एट्टींथ का कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है माइकल जक्शन करवा देंगे बताइए बेटा जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर अठारहवी का कौन सा आंसर सही होगा बहुत अच्छा ए ऑप्शन बहुत अच्छा निर्भय का आंसर बिल्कुल ठीक है तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जेट्रोफा है ना तो जहां पर भी जेट्रोफा आंसर करें तो वह बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तो जो भी जेट्रोफा होता है वह बहुत ज्यादा यहाँ पर फेमस है और जैव ईंधन के लिए बायोफ्यूल के लिए यानी कि जैव ईंधन के लिए बायोफ्यूल के लिए इसी की ही सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरत होती है ठीक है चलो अच्छा ठीक है डी के राजा आगे बढ़ते हैं ठीक है दिवाकर क्स्ट यहाँ पर द पीचर प्लांट इज करेक्टराइज बाय विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं घड़ा संयंत्र की जगह अगर आप यहाँ पर लिखो घट पढ़ी ठीक है घटी घट पढ़ी पौधा तो घटपर्म्नलिखित पौधों में से किसकी यहाँ पर विशेषता है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था हा बायोडीजल के लिए भी इसका यूज किया जाता है पेट्रोल के लिए भी इसका यूज किया जाता है रतन जोत इसको कहा जाता है बहुत अच्छा वेरी गुड सुनील बिल्कुल सही बता रहे हो आप रतनजोत इसको हिंदी में कहा जाता है ना जेट्रोफा को और मैं आपको बता दूं कि आपके दांतों में अगर किसी भी तरह का इंफेक्शन हो रहा है तो जैसे आप नीम का दांतु यूज करते हो ना ऐसे अगर जेट्रोफा यानी कि इसका भी अगर आप यूज करो रतन जोत का तो भी आपके दांत में किसी तरह का संक्रमण नहीं होता है हाँ आंसर जो होगा वेरी गुड आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें ठीक है नुपुर आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आप बताएंगे बी आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा तो फटाफट से नोट कर लीजिए अभी जस्ट मैंने इसको एक्सप्लेन किया था तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर रही हूं चलो अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं नॉट करेक्टली मैच इनमें से कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है ठीक है करेक्टली मैच नहीं है ठीक है चौधरी रवि बिल्कुल सही है ठीक है दीपक अलका दिवाकर चित्रंजल बिल्कुल सही आंसर आपका हो रहा है चित्रंजल जल्दी बताओ ठीक है दानिश जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बीसवे का तो प्यारे बच्चों ठीक है मुकेश जट वेरी गुड नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते चलिए बताइए जल्दी से कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीसवे का बहुत अच्छा आंसर की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर जो होगा वह यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन ठीक है तो अगर आप देखते हो तो पेनिसिलिन की जो खोज थी वो एलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने की थी बिल्कुल सही है बैरोमीटर सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था टोयसिलीन ने किया था एक्सरे के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी, थी? डब्ल्यू रोड ने की थी लेकिन पैराशूट यहाँ पर डब्ल्यू एच कोथरेंट ने नहीं बनाया था तो आप सभी के लिए यहां पर मेरा यही क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप मुझे यहाँ पर यह बताएंगे कि पैरासूट का इन्वेंशन यहाँ पर किसने किया था चलो जिले सा करेंगे यहां पर हु इन्वेंट पैरासूट जल्द बता दीजिए यहाँ पर दा विंची ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था बेटा लेकिन सर, अगर आप यहाँ पर बात करते हैं सोलोमन ली मीटर जूनियर के बारे में तो उन्होंने ही सबसे पहले पैराशूट पर बनाया था ठीक है चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर ठीक है छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं द ब्लड प्रेशर इज डिनोटेड एज फॉलोइंग रक्तचाप निम्नलिखित के रूप में यहाँ पर चिन्हित किया जाता है मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ वन ट्वेंटी अपॉन एट्टी एम एम ठीक है, है, है। मुकेश जट नमस्ते बेटा जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा देखते हैं यहाँ पर कौन बच्चा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर देंगे देखते हैं यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर सही आंसर देते हैं हाँ नीलू यहाँ पर चली गई है नीलू यहाँ पर चली गई है चलो जल्दी से बता दो इक्कीसवी का कौन सा आंसर होगा बहुत अच्छा ए आंसर बहुत बढ़िया तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा सिस्टोल और डायस्टोल हमेशा बताती हूँ है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे बीच इज नॉट ए कार्मी प्लांट इनमें से कौन सा एक मांसाहारी का पौधा नहीं है यानी कि कौन सा यहाँ पर एक कीट भक्षी पौधा नहीं है चलो चलिए करेंगे यहाँ पर ट्वेंटी सेकेंड का कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर करते हैं हाँमीटर इस से इसको नापते हैं वेरी गुड बहुत अच्छा चलिए चलिए करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा जल्दी बताइए बहुत सही आंसर है डी ऑप्शन ठीक है तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ठीक है नीलू ठीक है <Workers> तो आंसर की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मार्श मेलो ठीक है तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्श मेलो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है नहीं वॉटरविल नहीं होगा मार्श मेलो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये जो बाकी के तीन है ये कैसे हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कमी जो पर होती है वहां पर यह पैदा होते हैं और जो कुछ भी कीड़े होते हैं इनको मार करके यहाँ पर खाते हैं लेकिन अगर आप मार्श मेलो के बारे में बात करते हैं तो इसमें सफेद कलर के और थोड़े से पर्पल शेड के बहुत ही खूबसूरत फूल यहाँ पर खिलते हैं और यह किसी भी तरह का कोई भी शिकार यहाँ पर नहीं करते हैं और नॉर्मली आपने देखा होगा कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यानी कि सजावटी पेड़ पौधों की तरह भी इसका बहुत ही अच्छे से यहाँ पर यूज किया जाता है ठीक है चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अमंग फॉलोइंग करेक्टली नेट रिप्रोडक्टिव रेट रिप्रोडक्शन रेट यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा कथन हमें किसके बारे बारे में में बता बता रहा है? बता रहा है है नेट रिप्रोडक्शन रेट के पर यानी कि शुद्ध प्रजनन दर को यहाँ पर कौन दर्शा रहा है चलो चलिए सांस में करेंगे नहीं नहीं सांप की जो छतरी है बेटा कुकुर मुता या मशरूम है वो बिल्कुल अलग है यहाँ पर हमने प्लांट के बारे में बात की है किसके बारे में प्लांट के बारे में बात की है चलिए अब जल्दी आंसर करेंगे इसका यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा <coughs> कौन सा आंसर यहाँ पर ट्वेंटी थर्ड का बिल्कुल सही हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए बहुत अच्छा तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर जो होगा वह डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा द रेट एट विच वुमेन आर रिप्लेस्ड बाय डॉटर्स हु विल हैव चिल्ड्रन ठीक है तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या होगा कि जिस दर पर महिला जो होगी वह बेटियों से हस्तांतरित हो जाएगी जो कि अब यहाँ पर बच्चे दे सकती हैं तो इसीलिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप यहाँ पर क्या बताएंगे कि आंसर होगा वह डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर मूव करते हैं और हां जितने भी स्टूडेंट आए हुए हैं बच्चा मैं आप लोगों को बता दूं कि सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर कंटिन्यू क्लास लगती है इसके अलावा जो अगर आपको थ्योरी क्लास करनी है तो वह शाम के छह बजे होती है आज नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था लेकिन डेली वो क्लास आपकी होती है रात के दस बजे यहाँ पर मैं आपको साइंस इंजन की क्लास कराती हूँ इसके अलावा आप लोगों की स्टेटिक जीके की भी क्लास चलती है उसमें भी आपको रेगुलर आना है वाई स्टडी चैनल पर मेरी आठ बजे क्लास होती है ठीक है अन एप्लीकेशन के बारे में जो भी जानकारी है वो

ठीक है मानव कंकाल तो होगा ही क्योंकि मस्क्यूलो स्केलेटन स्केलेटन मतलब जो आपका मानव कंकाल होगा बोन्स होगा बोन्स एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े होंगे ज्वाइंट्स के माध्यम से स्केलेटन मसल्स होगा मसल्स पढ़ना जरूरी है क्योंकि मस्क्यूलो लिखा है तो मसल्स पेशियों हो का होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसीलिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा ऑल द अबव यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा करंट uh, अफेयर की जो क्लास है अब वह वीकली क्लास होगी ठीक है बेटा वीकली क्लास वह होगी यहाँ पर ठीक है सत्य प्रकाश पटेल थैंक यू चलो आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पशु फाइलम है पशु फाइलम है ठीक है फिल्म हो गया है फाइलम की जगह या फिर आप इसको समूह भी लिख सकते हैं तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो इनमें से सबसे बड़ा जंतु समूह कौन सा है ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ठीक है सोनिया यादव वेरी गुड इवनिंग चलो जलिए सांसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा मोलस्का होगा आर्थ्रोपोडा होगा ममेलिया होगा या फिर एनलीडा होगा चलो जलिए सांसर करो बच्चा कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो प्यारे बच्चों आंसर की अगर हमें बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आर्थ्रोपोडा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा तो जब भी हम यहाँ पर आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करते हैं तो जो भी आर्थ्रोपोडा है उसके अंदर क्या आते हैं सेगमेंटेड ज्वाइंट जिनके होते हैं जैसे कि अगर आप कॉकरोचेस के बारे में बात कर रहे हैं अगर आप यहाँ पर जो बिच्छू होता है केकड़ा होता है तितलियां होती हैं मच्छर होते हैं है ना उन सभी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उन सभी में आप ज्वाइंट लेग देखते हो और वह किसके अंदर आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं है. तो लार्जेस्ट पशु का मतलब ये नहीं कि इनका आकार बहुत होता है नहीं इसका यह मतलब है कि इनका जो समूह है इनका जो फाइलम है उनमें जो मेंबर्स हैं उनमें जो सदस्य है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं ठीक है इसके अलावा दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर में जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है यहाँ पेस्का है अगर आप यहाँ पे मुलस्का के बारे में बात करते हैं तो जिसके अंदर आपका ऑयस्टर्स यानी कि सीप आती है जो जो मोती बनाने वाली सीप होती है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाया इसके अलावा आप ऑक्टोपस को अगर आप देखते हो स्नेल यानी घोघा को देखते हो पाइला यानी कि जो आप शंख को देखते हो तो वो सभी आपका किसके अंदर आता है मोलस्का के अंदर आता है बाकी ये दोनों को अभी इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है ब्लड ग्रुप बी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में तो ब्लड ग्रुप बी के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है चलो चलिए सर बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हिमालय यहाँ पर पूछ रहे हैं कि माम आप इतनी एनर्जी लाते कैसे हो इतनी सारी क्लास और फिर भी आप बिल्कुल थके हुए नहीं दिखते हो अच्छा थैंक यू पहले तो लेकिन सच में ऐसा नहीं है कभी-कभी थक भी जाती हूं, मैं बहुत ज़्यादा पर यही कि तुम बच्चों को देख करके बहुत खुश हो जाती हूँ चले चले ऐसा करेंगे यहाँ पर कछुए के अंदर कितने दिल होते हैं बेटा कछुए के अंदर सिर्फ एक दिल होता है ठीक है आ, किम जॉन हिटलर कछुए के अंदर सिर्फ एक दिल होता है लेकिन उस दिल में कितने चैंबर्स होते हैं कितने कक्षीय होता है तो आंसर आपको करना है थ्री कक, तीन कक्षीय होता है थ्री चैम्बर हर्ट उसके अंदर पाया जाता है ठीक है वाला बता दीजे, आ, अच्छा ज्वाइंट वाला यहाँ पर बता दीजिए टेंडोन बता दीजिए ठीक है ठीक है मैं बताती हूँ तो देखो बेटा सबसे पहले यहाँ पर दो वर्ड आते हैं ठीक है थीके? एक होता है यहाँ पर टेंडोन और एक वर्ड होता है यहाँ पर लिगामेंट ठीक है तो अगर हम यहाँ पर टेंडोन के बारे में बात करते हैं तो जो टेंडोन होता है वह क्या काम करता है जो हमारे बोन्स हैं उनको मसल से जोड़ने का काम करता है ठीक है जो भी हमारी हड्डियाँ होती हैं उसको हमारे पेशियों से जोड़ने का काम करता है जबकि जो लिगामेंट होता है वह बोन टू बोन यानी कि जो भी आपकी हड्डियां होंगी हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का काम यह पर करता है ठीक है चलिए ठीक है किशोर ठीक है किशोर क्या दिक्कत होगी बेटा क्यों गुस्सा हो रहे हो ठीक है सौरभ ठीक है चलो जली सांस कंफ्यूज हो हो रहे हो। नहीं नहीं बेटा कंफ्यूज नहीं होना है बता दिया मैंने। तो इसका जो आंसर होगा वह ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा इट हैज बी एंटीजन एंड ऑन इट्स रेड सेल एंड एंटीजन ए एंटीजन इज इन प्लाज्मा ठीक है तो प्यारे बच्चों आपको यह बताना है कि जो भी यहाँ पर अगर आप देखते हैं बी ब्लड ग्रुप के बारे में तो यहाँ पर जो आरबीसी होगी ऐसे व्यक्तियों की उनके आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन चिपका हुआ होता है वह कौन सा होता है बी एंटीजन होता है और जो एंटीजन यहाँ पर चिपका हुआ होगा वही एंटीजन हमारा ब्लड ग्रुप यहाँ पर हो जाता है और इसके अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो एंटी ए एंटीजन मतलब क्या हो गया यहाँ पर बात हो रही है किसके बारे में एंटीबॉडी बी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है तो इनके अगर आप प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं तो इनके प्लाज्मा में आपको एंटीबॉडी बी यहाँ पर दिखाई देता है ठीक है चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं इंसान के अंदर कितना दिल होता है फिर ये टूट क्यों जाता है बेटा इंसान के अंदर एक ही दिल होता है और कोई टूट टूटता नहीं है ये सब फालतू तो की मस्ती है दिमाग की चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्लोइंग डिज कॉपर टिश्यू ऐसा कौन सा यहाँ पर रोग होता है जहां पर आप देखेंगे ऐसा कौन सा रोग है जिसमें आप देखेंगे कि आपके टिश्यू के अंदर आपके टिश्यू के अंदर कॉपर जो है वह एक्यूमुलेट यहाँ पर होना शुरू हो जाता है चलो चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा Wilson या फिर एल्सन कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चा चलो जल्दी से बता दो यहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में विल्सन डिजीज के बारे में तो जब आपकी बॉडी में कॉपर का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा तो उस टाइम पर कौन सा रोग होता है विल्सन नाम का रोग यहाँ पर होना शुरू हो जाता है तो फटाफट से यहाँ पे नोट कर लीजिए नहीं नहीं इंडिया की अगर आप बात कर रहे हैं बेटा तो इंडिया में लगभग एक लाख लोगों में से किसी एक को यह यह होगा इंडिया में ये इतना ज्यादा नहीं पाया जाता है एज किसी में भी हो सकता है पांच साल से लेकर के के साल बीच में या उसके बाद कभी भी पर हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हाँ जो फीमेल्स होती है जो स्त्रियां होती हैं जो औरतें होती हैं उनमें यह ज्यादातर यहाँ पर देखा जाता है ठीक है अगर हम बात करें तो इसका जो डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है वो हमारी आंखों में पड़ता है आयरिस के आसपास अः की जो अः आयरिस के आसपास यहाँ पर एक ब्लैकनेस uh, आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देने लगता है ठीक है चलो आगे नमस्ते नमस्ते ठीक है प्रशांत नमस्ते आगे हम पर बात करते हैं कि डिजीज हैज नेम विद सफिक्स इज डिसऑर्डर ऑफ और ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ठीक है अजय कुमार कह रहे हैं कि हेड ऑफिस कहाँ है अन अकेडमी का तो बेटा बेंगलोर में है ठीक है बेंगलोर में है हेड है ऑफिस चलो चलिए तो आशा करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा चलिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? और जितने भी बच्चे वो ज्यादा से ज्यादा आए क्लास में और फिर अगर आप पीडीएफ के बारे में बात करो तो पीडीएफ में जनरली वैसे दे देती हूँ लेकिन मुझे और अच्छा कब लगेगा कि आप डेली क्लास में कम से कम फाइव से वन बच्चा आओ है ना मुझे बहुत अच्छा फील होगा मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को भी तो आना चाहिए ना पढ़ना पढ़ाई करने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आइए ठीक है थीके? तो बिल्कुल मैं आप लोगों को फ्री में जैसा कि मैंने पहले भी अनाउंस किया हुआ है कि मैं आप लोगों को ग्यारह हजार क्वेश्चन के फ्री में दूंगी ठीक है विद और उसमें से डेफिनेटली आएगा याद रखिए आप इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर लीजिए उससे एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा तो लेकिन उसके लिए आना जरूर होगा चलो जलिस आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आंसर आपका होगा यहाँ पर ब्रेन तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि जब मस्तिष्क में किसी भी तरह का कोई भी इंफेक्शन हो कोई भी संक्रमण हो तो उस टाइम पर उसमें सूजन आ जाती है इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन होती है इन्फ्लामेशन होता है सूजन आ जाती है और उसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है आप बताएंगे उसी को कहा जाता है यहाँ पर इंसेफेलाइटिस तो मेनली अगर देखा जाए ना तो यह वायरल डिजीज के कारण होता है जब वायरस का अटैक हो जाता है तब ठीक है चलिए आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्लोरा इज फाउंड मानव शरीर में कौन से हिस्से में प्लूरा पाया जाता है चलिए चलिए से आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा मैम बिहार में बिहारी से बहुत सारे बच्चे मर जाते बीमारी से बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है चलो अच्छा दिमाग वाह होगा ठीक है चलिए जल्दी से आंसर कर लीजिए यहाँ पर आ, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका बताइए यहाँ पर प्लेरा बहुत अच्छा लंग्स अमरदीप का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है ठीक है तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात नहीं नहीं अमित और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब मतलब थोड़ा फीवर है बट ठीक है मैं पढ़ा लूंगी बेटा कोई दिक्कत नहीं है तो बच्चा आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं ठीक है हिमालय में ठीक हूँ तो आंसर की अगर आप बात करें तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा ए आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा तो जो भी हमारा यहाँ पर लंग होता है जो भी हमारा इस तरीके से आप लंग के के बारे बारे में में बात करें फेफड़ों तो फेफड़ों की जो चारों तरफ से आवरण होता है फेफड़ों को जो चारों तरफ से ढक कर के रखता है उस आवरण के को क्या कहा जाता है यहाँ पर प्लूरा मेम्ब्रेन यहाँ पर कहा जाता है अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाउ मेनी आर्ट्रीज आर प्रेजेंट इन ह्यूर ह्यूमन अम्बलिकल कोर्ट यानी कि मानव गर्भनाल में कितनी मौजूद होती हैं अब ये बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन है ठीक है ये बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन है हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं हिटलर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलो चलिए से बता दो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक धमनी होती है सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक आर्ट्री होती है ठीक है चलिए अब इसके बाद आप पर के बारे में बात करते हैं। मैं अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके अलावा आप लोगों के लिए मैं छह बजे थ्योरी क्लास भी लेकर के आती हूँ उसमें आना ना भूलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की यहाँ पर कोशिश करिए बेटा दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा उसमें क्लिक कर देना वैसे ही आप कहाँ पर पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे उसको ज्वाइन कर लेना आपको सारी पी डी वहां पर मिल जाएगी उसके अलावा एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं वहाँ पर डालती रहती हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड या ट्रिक्स से रिलेटेड या कुछ भी जो कुछ भी नया हो रहा है तो वो आपको काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प करेगा तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं तब तक अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय जय हिंद जय भारत गुड नाइट